मैं आया हूँ ग्लास शॉप पर और यहाँ पर कुछ वेस्टेज ढूंढ रहा हूँ ताकि हमारा ग्लास जो है मैं कम रेट के अंदर मिल जाए। फाइनली मुझे 30 रुपए में एक ग्लास का यहाँ पर पीस मिल चुका है और यहाँ पर 20 रुपए के अंदर मैं इसके ऊपर पॉलिश करवा रहा हूँ ताकि ये अच्छा दिखे यहाँ पर। और यहाँ पर वेस्टेज के अंदर से मुझे एक एल्यूमिनियम का पीस भी मिला है जिसको मैंने कांच के अनुसार कट करवा लिया है। और फाइनली कांच और हमारा एल्यूमिनियम पीस को लेके मैं स्टूडियो में अंदर आ चुका हूँ। तो लीजिए भाइयों, हमारा काफी कम रेट के अंदर हमें ग्लास मिल चुका है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो पीस दिख रहा है आपको, ये काफी गंदा सा और स्क्रेच पड़े हुए हैं इसके ऊपर क्योंकि ये वेस्टेज के अंदर से हमने निकाला है। तो हम यहाँ पर व्हाइट कलर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर स्प्रे कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एलईडी स्ट्रिप लेने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एलईडी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है। अब यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर लेने वाला हूँ ताकि इसको हम एडाप्टर से सप्लाई दे सकें। हमारे ग्लास के नीचे की साइड में इसको लगाना है एलईडी स्ट्रिप को, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। एलईडी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कट लगा हुआ है, यहाँ से इसको कट करना है, दूसरी जगह से कट करोगे तो खराब हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा फीमेल कनेक्टर जो है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर चला कर देखेंगे इसको, ये काफी अच्छी तरीके से चल रही है। अब हमारा ग्लास लेंगे और इसको उल्टा खड़ा कर देंगे इस टाइप से और यहाँ पर ग्लू गन से यहाँ पर ऊपर ग्लू लगा देंगे इसके अंदर। और ग्लू गन का यूज इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ग्लू के आर पार जो है यहाँ पर इजीली हमारी लाइट चली जाएगी। अगर आप दूसरा ग्लू यूज करोगे तो उसके आर पार हमारी लाइट नहीं जा पाएगी। अब इसके साइडों में भी अच्छी तरीके से ग्लू गन हम लगा देंगे। और अब यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम का जो पीस है इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बीच में एक कट लगा हुआ है जिसमें हमारा ग्लास जो है अच्छे से फंस जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप हमारी लकड़ी का भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको लकड़ी भी नहीं मिलती है तो आप प्लास्टिक पाइप को बीच में से कट करके इसमें फंसा सकते हो। अब हमारा कनेक्टर और ग्लास को हम ग्लू से अच्छे से चिपका देंगे। तो लीजिए भाई, हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पर पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये दिखने में काफी ज्यादा सिंपल सा लग रहा है लेकिन ये काफी मैजिकल सी चीज है भाई। इसको यहाँ पर चालू करते हैं। इसको चालू करने के लिए एक 12 वोल्ट की सप्लाई आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर एडाप्टर या फिर बैटरी से इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर लगा दूंगा इस एडाप्टर पिन को और फाइनली यहाँ पर जो है हमारा फाइनली चालू हो चुका है। इसके अंदर जैसे हमने सप्लाई दी है, हमारी यहाँ पर एलईडी लाइट जो है वो ग्लो करने लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो हमारा कांच है ये मिडल में है, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इसके आउटर दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पर आपको एक लाइट दिखेगी जो की काफी ज्यादा अमेजिंग सी दिख रही है। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्रियोन्स जो आपको 10 रुपए में मिल जाएंगे, वैक्स क्रियोन्स, इनको मोम कलर भी बोला जाता है जो की हमारे बच्चे यूज करते हैं। अब ये जो क्रियोन्स है इसके ऊपर लिखने में काम आएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका जादू दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको जादू दिखाने से पहले इसका हम जो है पावर सप्लाई हटा देंगे। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे रेंडमली, तो यहाँ पर मैं रेंडमली कुछ भी इसमें बना दूंगा। और अभी मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर देना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनली। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है और यहाँ पर एक इमोजी भी बना दिया, लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं कुछ भी अभी। यार माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हम सप्लाई देंगे 12 वोल्ट की, तो यहाँ पर हमारा मैजिक जो है आपको दिखने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर ऑन करूंगा इसको, तो फाइनली आप देख सकते हो कि यार जहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्माइल और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा छोटा सा इमोजी जो कि यहाँ पर ग्लो कर रहा है। और जैसे हमने जो भी लिखा है इसके अंदर वो सारा का सारा हमारी जो नियॉन लाइट होती है उस टाइप का यहाँ पर ग्लो करके दिख रहा है। तो भाई अभी हमने यहाँ पर स्टूडियो की लाइट को कम कर दिया है और यहाँ पर से वापस को मैं चलाऊंगा तो आप देख सकते हो यार कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर हमारा ग्लो करेगा। तो भाई अब यहाँ पर मैं कुछ और लिखने वाला हूँ इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इसके अंदर ताकि आपको याद रहे। सो फाइनली यहाँ पर मैंने वापस इसको मिटाकर वापस कुछ लिखा है इसके अंदर और वापस पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर लिखा है लाइक सब्सक्राइब मिस्टर दारुण्या। तो अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसके अंदर मैंने दो कलर के अंदर लिखा है, ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। यहाँ पर ग्रीन कलर है और ये जो है ऑरेंज कलर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कलर अलग अलग है तो हमारा
कलर भी अलग दिखेगा इसके अंदर, कैमरे में मुझे पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, तो ये अलग अलग दिखता है इस टाइप। अब इसका यूज कैसे करना है उसके बारे में आपको दिखा देता हूं मैं, कि अगर आपको कुछ नोट्स बनाना है, आपको कुछ चीज याद नहीं रहती है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर उसको लिख देना है। आपको जैसे मान लो कोई गणित का सूत्र है उसको याद करना है, तो यहाँ पर लिख दो इसको और लाइट बंद करके इसको लगा दो कहीं पे भी। लाइट बंद होने के बाद में क्या होगा कि आपने जो सूत्र लिख रखा है, कुछ भी फॉर्मूला लिख रखा है इसके अंदर, तो आपकी नजर कहीं नहीं जाएगी, बस इसी के ऊपर जाएगी, और जब भी आपको ये दिखेगा तो आपको वो जो सूत्र है आपके दिमाग में आएगा, तो आपको क्या है कि बार बार वो रिपीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। और भाई अगर आप स्टूडेंट नहीं हो लेकिन आपकी शॉप है, तो वहां पर अगर आपके कोई डिस्काउंट चल रहा हो, कोई सेल चल रही हो, या फिर कोई भी आपको कस्टमर को दिखाना है आपको कि मतलब ये नोट करवाना है, तो वहां पर आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर इजीली। आपकी दुकान के अंदर ये लगा रहेगा तो कोई भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले इसके ऊपर नजर पड़ेगी, क्योंकि ये क्या अलग से दिखेगा, अलग से चीज दिखेगी, तो यहाँ पर क्या ये नोटिस करेगा लोग बाग, और कोई सेल है या फिर कुछ भी चीज होगा तो वहां पर इजीली इसको देख सकते हैं। अब इसको साफ कैसे करना है उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पेन खोलनी है सबसे पहले, उसको स्टाफ से लेटाना है। लेटाने के बाद या तो आप इसके ऊपर कोलिन डाल सकते हो, या फिर डीओ परफ्यूम जो है एक्सपायर हो चुका है वो आप दुकान से ले सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पर स्प्रे करने के बाद यहाँ पर कागज से इसको साफ कर सकते हो, कलर लगा हुआ सारा का सारा मिट जाएगा, क्योंकि कांच है तो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर ये साफ हो जाएगा। उसके बाद आप नया इसके ऊपर लगा सकते हो कुछ भी, जैसे आपने नोट्स लिख दिया इसके ऊपर या कुछ भी लिख दिया आपने, तो यहाँ पर इजीली हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से साफ कर दीजिए, अगर ये गंदा रहेगा तो गंदगी इसके अंदर दिखेगी, कोई मतलब आपने हाथ लगा दिया तो हाथ के जो आपके फिंगरप्रिंट से इसके ऊपर दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ कर दिया है, और यहाँ पर आप जैसे तो अच्छा से साफ नहीं हुआ ये, तो यहाँ पर ये हल्का सा गंदा दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अच्छे से साफ नहीं करा है। जब इसको अच्छे से साफ कर दोगे तो ये वापस से बिल्कुल क्लियर दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना उस हिसाब से क्लियर दिखेगा, कुछ भी दिखेगा नहीं इसके अंदर। ठीक है,